डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्रों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जहां तक दोनों देशों के मध्य संबंधों की बात है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद अमेरिका से इसके संबंध सामान्य थे, क्योंकि अमेरिका भी अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ था, इसलिए उसका रुख भारत के प्रति सकारात्मक था। किंतु जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तब अमेरिका को भारत का गुटनिरपेक्ष रहना अच्छा नहीं लगा और तब से इन दोनों देशों के संबंधों में जब तब कटुता दिखाई देती रही है। निसंदेह प्रारंभ में भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। इसके कई कारण हैं। भारत का झुकाव सोवियत रूस की ओर होने के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ न केवल अपने संबंधों को बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों में भी उसकी आर्थिक एवं सैन्य सहायता की। इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य भारत सोवियत रूस के गठजोड़ की काट ढूंढना एवं अफगानिस्तान पर रूस के कब्जे के खिलाफ मुजाहिदीनों का प्रयोग करना था। वर्ष 1971 में भारत और सोवियत रूस के बीच हुई मित्रता की संधि ने अमेरिका को पाकिस्तान का समर्थन करने व उसे बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया एवं दोनों देश एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की हर संभव सहायता की। इसके बाद जब वर्ष 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने न केवल इसका खुले तौर पर विरोध किया, बल्कि भारत पर अनेक प्रतिबंध भी लगा दिए। वर्ष 1980 में अमेरिका ने भारत के तारापुर रिएक्टर को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी। भारत एवं अमेरिका के संबंधों में तनाव की यह स्थिति शीत युद्ध की समाप्ति तक जारी रही। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत एवं अमेरिका के संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। 20वीं सदी के आखिरी दशक में जब भारत ने भी उदारीकरण की नीति अपनाई, तब इसके अमेरिका से न केवल आर्थिक संबंध कायम हुए, बल्कि इसके बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ हुए। वर्ष 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई, किंतु इसका प्रभाव अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण करने से दोनों देशों के संबंधों में एक बार फिर से दरार पैदा हो गई। भारत के इस कदम से क्षुब्ध होकर अमेरिका ने पुनः भारत को प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल दिया। इससे हुआ यह कि दोनों देशों के राजनीतिक एवं सामरिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। इसी बीच एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद अमेरिका को पहली बार आतंकवाद का खतरा अनुभव हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका पहले पाकिस्तान का पक्ष लेता था, लेकिन इस घटना के बाद भारत एवं अमेरिका के संबंधों में नाटकीय परिवर्तन हुआ। अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में
भारत की महत्ता का एहसास हुआ। 12वीं सदी के प्रथम दशक के दौरान दोनों देशों के बीच न केवल द्विपक्षीय व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंधों में पारस्परिक सुधार हुआ है। वर्ष 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम दिया। 2 मार्च 2006 को दोनों देशों के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को अमेरिकी विदेश नीति में ऐसा स्थान दिला दिया जो किसी अन्य देश को हासिल नहीं है। इस समझौते के कारण भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो NPT पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद वैध तरीके से परमाणु ईंधन व तकनीक प्राप्त कर सकेगा। भारत को यह विशेष दर्जा देने के लिए अमेरिका को अपने कानूनों में संशोधन करना पड़ा। पाई पैराजेंज। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ऊर्जा, तकनीक, चिकित्सा व कृषि क्षेत्रों में भी भारत के साथ नए समझौते किए हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त आकाश समझौता हो चुका है जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की खुली छूट दी गई है। मई 2007 में भारत और अमेरिका ने जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 4-पक्षीय वार्ता की पहली बैठक की जिसमें चारों देशों द्वारा रणनीतिक मोर्चे पर मिलकर काम करने की बात की गई। अक्टूबर 2008 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान पर कड़ा दबाव बनाया। यह भारत एवं अमेरिका के बीच एक नए मित्रतापूर्ण युग की शुरुआत थी क्योंकि अब तक अमेरिका को पाकिस्तान का पक्ष लेते देखा गया था। नवंबर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए जिनमें से प्रमुख हैं स्वच्छ ऊर्जा के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना, परमाणु ऊर्जा साझेदारी हेतु वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग, ऊर्जा सहयोग के कार्यक्रम, भारत में मानसूनी वर्षा के सटीक पूर्वानुमान के अध्ययन के लिए तकनीकी सहयोग, शेल गैस संसाधन, वैश्विक रोग पहचान के लिए भारत में केंद्र की स्थापना और उसका संचालन। इस ऐतिहासिक भारत यात्रा के दौरान औपचारिक निजी वार्ताओं और सार्वजनिक भाषणों में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका तथा भारत की वैश्विक साझेदारी को लेकर एक नया दृष्टिकोण रखा। यह दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक महत्व रखता है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण मानता है कि भारत विश्व शक्ति के रूप में उदित हो चुका है और वह वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली भूमिका निभाने को तैयार है। यह नया दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि अमेरिका और भारत के हितों की बेहतरी आपसी साझेदारी में निहित है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे बराबरी की साझेदारी कहा है। इस नए नजरिए का लक्ष्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसी साझेदारी कायम करना है जिसका लाभ न सिर्फ इन दोनों देशों को मिले बल्कि वह एशिया और पूरी दुनिया के हित में भी हो। इधर भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने पर दोनों देशों के राजनीतिक विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि इससे भारत अमेरिकी संबंधों में अस्थिरता आ सकती है क्योंकि अमेरिका गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की
भूमिका संदिग्ध मानता रहा है स्टॉक।